हेलो गाइज, हम क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिए, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? ठीक है, तो ये जो है ना, मोहन आया किस काल का है? तो ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल का हो जाएगा। ठीक है, सामान्य भूतकाल यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर भाई बहन कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला जो है धन, धन कौन शब्द जो है का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो धन का संपत्ति हो जाएगा। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है आपका, हम राइट रोटेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, संधि के कितने प्रकार के होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे नाथ पीछे ना पघा, लोकोक्तिया का क्या अर्थ होता है? ठीक है, ये आपको पूछा गया है कि आगे नाथ पीछे पघा, इस लोकोक्तिया का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे मूर्ख धर्मान मन काम का जानना, पीछे न छोड़ना छोड़ना और किसी तरह की जिम्मेवारी न समझना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसी तरह की जिम्मेवारी न का न सोचना। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। मुख्यचंद्र शब्द कौन सा समास है? तो मुख्यचंद्र कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि कवि प्रेम घन ने के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की वृद्धि विदेशी हो गई? ठीक है, तो कौन सी विद्या पढ़ के? तो यहाँ पे तकनीकी विद्या या विदेशी विद्या, छल और या कपट? तो यहाँ पे विदेशी विद्या हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 51 नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो विदेशी विद्या हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? नौ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो नौ का उच्चारण स्थान जो होता है वो मृधा से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर मछली शीर्षक कहानी की रचयिता कौन है? तो मछली शीर्षक कहानी की रचयिता जो है विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, फिर अगला सवाल है, निम्न में नरक शब्द का विशेषण क्या है? ठीक है, नरक शब्द का विशेषण जो है ये नरकीय हो जाएगा या नपतक। तो यहाँ पे वन सेकेंड, नरतक या क्या हो जाएगा? नरकी या नरको। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट 63 में चलते हैं। निम्न में से आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे नयन होता है, लोचन हो जाएगा। ठीक है, लोचन भी हो जाएगा। फिर अगला क्या है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम रोटेट कर लेते हैं, इसके बाद आंसर देते हैं। फिर इसमें क्या करा है, बंधन शब्द का विलोम क्या होता है? तो बंधन का मुक्ति होता है। ठीक, फिर अमीरुद्दीन का उदाहरण क्या है, नाम क्या था? अमीरुद्दीन का उदाहरण उसका नाम जो था वो क्या था, ये पूछा गया है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कमेंट्स में कर दीजिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। फिर यहाँ पे अगला जो है, कम खाने वाला क्या कहलाता है? अल्पहारी कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहलाएगा देखिए, यह है अगला सवाल, सर विलियम समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? तो ये पहुँचे थे 1912 या 1823 में, या 1823 तो ऑप्शन हमें है भी नहीं, तो वन सेकेंड 1900 में या 1600 स्पीड में होगा। ठीक है, 1600 या 1765 होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, इसमें से आप देख लीजिएगा क्या है। अगला है कि आनंददास का पौथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो ये हो जाएगा अमरकांत यतीन्द्र और महात्मा गांधी। तो आनंददास आचार्य प्रसाद द्विवेदी, तो इसमें से आपको यतीन्द्र मिश्र होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर जो होगा
इंद्र मिश्र होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेंगे। और यहाँ पे देखिए अगला क्या है कि वास्तविक, वास्तविक शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय क्या है? वास्तविक शब्द में प्रत्यय जो है, इसका भी आंसर आप कमेंट कर लेंगे, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज, निर्लज अपराधी किसने कहा? तो यहाँ पे डकैत को, या चोर को, या नाखून को, या निर्लज अपराधी हजारी प्रसाद नाखून को कहा होगा, क्योंकि काट देने से ही फिर से बढ़ जाता था, इसीलिए वो बोला था, ठीक है। फिर यहाँ पे हिंदी, हिंदी तथा इसकी विधियाँ, बोलियाँ, बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि में लिखा जाती है, ठीक है। अगला सवाल है, लेखक अमरकांत के ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो ये हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, इसका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। अगला है, बहादुर कहाँ से भाग गया था, भाग आया था? तो ये कहाँ से भाग आया था? 94, भोपाल, नेपाल, बांग्लादेश, तिब्बत। तो ये बंगाल से हो, बंगाल भी नहीं होगा, ये भाग आया था, बहादुर कहाँ से भाग आया था? तो यहाँ हो जाएगा आपका, कमेंट में कर लीजिएगा कमेंट, ठीक है। अगला है कि इज्जत शब्द कौन लिंग है? इज्जत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इज्जत मिलती है, मिलता नहीं है, मिलती है। अगर आप अच्छे काम करोगे तो इज्जत मिलती है, मिलता नहीं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसके बाद ये है आपका अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है अनुमति, अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है, ठीक है। अनुमति का क्या हो जाएगा? अनजान, असहमति, और यहाँ पे असहमति, असहमत, ये हो जाएगा असहमत हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है, रक्षा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सुरक्षा, भक्षक, हाँ रक्षा का हो जाएगा भक्षक या विनाश। भक्षक तो हो जाता है जो नाश करता हो, यहाँ विनाश भी हो सकता है, वायोग, वियोग। रक्षा, रक्षा मतलब सुरक्षा, सुरक्षित करना मतलब बचा के रखना, और यहाँ पे विक्षा, तो आपको भक्षक, भक्षक तो नहीं होना चाहिए, विनाश होना चाहिए, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट अगला है क्या करें कि नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कौन है, तो ये विश्व के दांत हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा, इसके द्वारा लिखी का, लिखे जो, ये जो लिखे हुए थे वो क्या लिखे हुए थे? तो विश्व के दांत लिखे हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा विनाश, ठीक है। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1823 ईस्वी में, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, इसमें कर रहा है अगला सवाल, किस लेखक के कथा में उड़ीसा का जीवन शहरी आंतरिक, शहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ, शहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो इसका सात कोरी होत इसमें होना चाहिए था, ठीक है। श्रीनिवास, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? सात कोरी होत होना चाहिए था, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं क्या होगा, और यहाँ पे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो चंदा, चंद्रा होगा, या गुणनिधि, गुणनिधि, या शंकर, या क्या है इनमें से कोसा भी। तो ये मतलब यहाँ पे जो थे, इन सब में से जो कुछ लोग है मतलब हल्ला कर रहे थे, सबसे पहले इसमें से आपको चंद्रा को शायद पता चला, ठीक है। तो ये पहले हल्ला किया शायद, और उसके बाद शंकर, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कमेंट में क्या कीजिएगा, आप लोग कीजिएगा कमेंट।
मांगू की प्रकृति मौत के को कौन सा मौत को माँ क्या मनाती है मानती है ठीक है, मौत को माँ जो है क्या मानती है, तो यहाँ पे बंधन मुक्ति, यहाँ पे छुटकारा, यहाँ पे संतोष, तो यहाँ पे मुक्ति हो जाएगा ठीक है, क्या आ जाएगा मुक्ति। अगला सवाल क्या करा है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, यस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो यहाँ पे सात को रिहोत जाता या श्रीनिवास, इसका आंसर कमेंट करेंगे आप लोग। अगला सवाल है बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, बुद्धिमानी होता है ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। पंचम शब्द का विच्छेद क्या होता है, पंच जोर म पंचम, पंच जोर म तो पंचम, तो ऑप्शन डी ये होना चाहिए। दूध के दांत का टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दांत न टूटना, जहाँ दांत जमना, दांत टूटना, क्या लिखा है, अनुभवहीन होना चाहिए, अनुभवहीन होना मतलब उसको थोड़ा भी अनुभव नहीं होना, मतलब वह अनुभवहीन होना। अगला करें कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है ठीक है, तो यहाँ पे सर्वनाम जो है नाम के बदले जो होता है वो सर्वनाम होता है, तो यहाँ पे आप हो जाएगा ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर करा कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ ठीक है, तो ये 25 साल की उम्र में या 19 या 20 या 27, तो ये 19 साल की उम्र में ही उसको मिला था ठीक है, 1 साल की उम्र में ही मिला था। अगला है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो छात्रा हो जाएगा ठीक है, छात्र शब्द का छात्रा छात्री। अगला क्या करा है, ऑप्शन छात्रा हो जाएगा, तो छात्रा क्या है डी ऑप्शन है। फिर गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था, तो सुलोचना हो जाएगा सुलोचना। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन आपको जो होता है चार पर स्वर व्यंजन, व्यंजन तीन प्रकार के तो व्यंजन होता है, स्वर और व्यंजन वर्ण हो गया, और व्यंजन जो होता है उसमें चार प्रकार होता है, तो व्यंजन में आपका चार प्रकार होगा ठीक है, अब देख लीजिएगा। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, नि उपसर्ग से नि उपसर्ग के उपयोग से बना शब्द क्या होता है, निःशुल्क हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, निःशुल्क हो जाएगा ऑप्शन डी। अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या है, अकेला दम हो जाएगा, याचना करना या धोखा देना, अकेला दम, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग। देवालय, देव जोर आलय होना चाहिए, ये कौन सा शब्द समास है, तो देव जोर आलय द्वंद समास हो जाएगा। और यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि मोर शब्द क्या होता है, मोर जो होता है वो शब्द जो है तद्भव से, ये आपको कमेंट करना है ठीक है। ये तद्भव समास हो जाएगा, ये जो है तद्भव समास हो जाएगा ठीक, और ये जो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा देवालय ठीक है, देवालय हो गया तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से हम आगे चलेंगे, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इतना ही तक होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और लाइक करना ना भूलिएगा। तो सब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। Thanks for watching.